परिणाम स्वरूप एक बार जो पुस्तक पढ़ ली, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है उन्हें याद हो जाता जिंदगी भर के लिए। भगवान हम सबका परम सत्ता जो है, हम सबका माता पिता है कि नहीं? कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और माता पिता बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करते। उस परम सत्ता ने जो शक्ति स्वामी विवेकानंद को प्रदान की एकाग्रता की, वही शक्ति हम सबको भी प्रदान की है। लेकिन वैसी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार बनना पड़ेगा, तब भी हमारी एकाग्रता जमेगी। अगर मानसिक विकृति है, फालतू की बातें दिमाग में है, तो पढ़ते वक्त ही वो याद आती हैं और आपकी एकाग्रता नहीं जमती है। इसलिए न ऐसे अश्लील दृश्य देखें, न ऐसी पुस्तकें पढ़ें, न ऐसी बातें सुनें। और निंदा रस तो बहुत खतरनाक है। निंदा जिसकी हम सुनते हैं या करते हैं ना, बिगड़ के उसके पापों का फल हमें मिलता है बेटा। ये कौन सी समझदारी, करे कोई भरे कोई। निंदा न किसी की करे न सुने, हमारा क्या? कबीरा तेरी झोपड़ी गल वढ़ियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। अरे जो करेगा वो भरेगा, और सुपरविजन का काम तो ऊपर वाले का है, हमको थोड़ी दिया है। हमें तो अपना सुपरविजन करना है, हमारा नियंत्रण हमारे मस्तिष्क पर चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इधर क्या चल रहा है, दूसरे किसी को नहीं मालूम। इसीलिए हमारा दायित्व तो है अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें, गलत बातें न सुने न पढ़े न देखें, ताकि पढ़ाई के समय स्वामी विवेकानंद की तरह इतने एकाग्र हो जाएं, एक बार जो पढ़े हमें याद हो जाए। उसके लिए निर्विकार हो गए ना हम। दूसरा, उस परम सत्ता का अंश हम सब में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर मजहब कहता है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, उसका अंश है। जिसे जमीर कहते हैं, विवेक कहते हैं, वो हमें बिना पूछे बताता रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहां तक कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बताता है, बशर्ते हम उसकी आज्ञा पे चलें। जिस तरह माता पिता तब तक समझाते हैं जब हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं ना। अगर नहीं पालन करते तो फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब नहीं मानती है तो क्या करें, छोड़ दो, आगे जाके समाज ठोकरे लगा के अपने आप सिखाएगा, सीखना तो पड़ेगा। डायबिटीज है, बचपन में गाजर का हलवा बहुत खाया है, अब घर वाले तो बनाकर नहीं देते, लेकिन याद आती है इतना स्वादिष्ट था। गए एक शादी में और वहां गाजर का हलवा, अरे यहां तो कोई कहने वाला नहीं। जैसे हाथ बढ़ाते हैं विवेक बोलता है, जमीर बोलता है हमें, तुम्हें डायबिटीज है, अगर तुमने गाजर का हलवा खाया तो कल तुम्हारी शुगर शूटअप हो जाएगी और अधिक बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अंदर एक शैतान भी बैठा है ना, वकील, वो कहता है मैं मूर्ख हूं क्या, मुझे नहीं मालूम मेरे को डायबिटीज है, मैं खा थोड़ी रहा हूं, मैं तो टेस्ट करके देख रहा हूं, गला है नहीं गला है, मीठा कम है ज्यादा है, टेस्ट करने दे यार, तू काय को परेशान कर रहा है। ठीक भाई, दो चम्मच, चार चम्मच, छह चम्मच, कहते माल है मुफ्त दिले बेरहम। अरे माल तो मुफ्त का है लेकिन शरीर तो आपका है। स्वाद के वशीभूत होकर के वो इतना ज्यादा खा जाता है, दूसरे दिन उसकी शुगर लेवल शूटअप हो जाती है, डॉक्टर आता है हाई डोज इंसुलिन के देता है, जो पैसे वहां नहीं दिए उससे कई गुना ज्यादा पैसे डॉक्टर को देने पड़ते हैं, और कई बार दो तीन दिन लेटना भी पड़ता है खटिया पे। ये क्यों हुआ? हम अपने विवेक की बात को नहीं माने। जो विवेक के कहने पे चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, उसके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। वास्तव में हम में से हर किसी
के अंदर विवेकानंद बनने की शक्ति है। विवेकानंद वो ही है जो विवेक के कहने पर चले तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद, उसे विवेकानंद कहते हैं। आप में से कितने लोग विवेकानंद बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया भाई, मेरे को बहुत खुशी। सच बोल रहे हो ऐसे मेरे को दिखाने के लिए बोल? ठीक है फिर, बढ़िया। तो इस तरह से हमारी मानसिकता विकृत न रहने से हमारी पढ़ाई अच्छी होती है और हम बढ़िया नंबर लेकर आगे बढ़ते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना मूल बात है। अब इसके आगे यह है कि हरेक विषय, एक बात और बता दूं, बिट्टियों के लिए पढ़ करके वेल प्लेस्ड होने की एक आयु सीमा नियत है। ज्यादा से ज्यादा 23-24 वर्ष की आयु तक उसको वेल प्लेस्ड हो जाना चाहिए। क्यों? ज्यादातर लड़के 25-26 में शादी करते हैं। हालांकि किसी मेडिकल साइंस की किताब में या किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि लड़की छोटी हो और लड़का बड़ा हो। आज तो ये भी कहते हैं लंबाई में भी लड़की लड़के से 2-3 इंच छोटी होना चाहिए। अरे यार ये क्या, वो लंबाई उसके हाथ में है क्या? बस पुरुष समाज ने वैसा बना दिया है नियम, हमें बेटा रहना है समाज में तो उसे पालन करना ही पड़ेगा। हम यदि 23-24 ज्यादा से ज्यादा 25 तक कहीं वेल प्लेस्ड हो गए, हमारे सामने चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे। कई लड़के होंगे आपके सामने, उनमें से जिसका फोटो आपको पसंद आए फिर माँ बाप बोलते बेटा आपस में बात करो। अगर विचारधारा दोनों की मिले और दोनों हाँ कहोगे तो आपकी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि जीवन तो आपको बिताना है, साथ साथ हम तो चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी परंपरा चली है। दोनों ही लड़का लड़की एक दूसरे की स्ट्रेंथिस और वीकनेसेस, शक्तियां और कमजोरियां दोनों से वो एक दूसरे को परिचित कराते हैं। उन कमजोरियों के साथ, उन वीकनेसेस के साथ जब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होता ही नहीं है। क्योंकि पहले ही मालूम था कि इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है। उन कमियों के साथ हमने एक दूसरे को दिल से स्वीकार किया है तो झगड़ा काहेगा? दूसरी तरफ जो लव मैरिज होती है उसमें लड़का लड़की को धोखा देता है, उसे ऐसे स्वप्न दिखाता है कि तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा, ऐसे सुख दूंगा ऐसे सुख दूंगा, और बाद में नौकरानी की तरह रखता है। परिणाम यह होता है कि वो लड़की कहती है कि इसने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को छला है। उसके प्रति उसके मन में वितृष्णा पैदा हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप लव मैरिज ज्यादातर बहुत जल्दी डाइवोर्स में बदल जाती है। लड़का तो फिर भी दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन डाइवोर्स ही लड़की को लड़का बहुत मुश्किल मिलता है। इसलिए बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना, जो कुछ भी करो माता पिता की सहमति से करो, और माता पिता आपको पूरी आजादी देंगे कि आप लड़के को समझो, वो आपको समझे। जब दोनों की हां होगी तो हम करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप 24-25 तक ज्यादा से ज्यादा वेल प्लेस्ड हो जाएं। लेकिन यदि आप 28-29 में जाकर वेल प्लेस्ड होती हैं तो जो लड़के हैं वो तो 26-27 में शादी कर गए। उसमें से जो कमियां थी लड़कों में और वो नई किसी ने उसको चुना, जिसको कहते छटा हुआ माल, छटा हुआ माल मिलता है आपको। फिर 30-32 का लड़का कई बार तो टकला हो जाता है, और टकलू को भी हमें मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है, कई समझौते करने पड़ते हैं। समाज में रहना है, शादी तो करना पड़ेगा। तो बेटा ये स्थिति बहुत ही दुखदायी होती है, क्योंकि उस शादी में वो सुख आनंद नहीं होता। हर चीज की एक उम्र होती है। इसीलिए बिट्टियों के लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा 23-24 की उम्र तक वेल प्लेस्ड हो जाएं। और उसके लिए हमारे कॉलेजों में इतने अच्छे कोर्सेज हैं, विशेष रूप से मैनेजमेंट कॉलेज में जो कोर्स चलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। आप अभी लास्ट ईयर में होंगी और आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल ईयर में होंगी
आपका कैंपस सिलेक्शन होगा, आपके हाथ में एक नहीं कई कई ऑर्डर्स होंगे, आपको चुनना है कि कौन सी कंपनी में जाना है, क्योंकि उसमें जो कोर्सेज चलते हैं उसकी बहुत डिमांड है कॉरपोरेट जगत में। बाकी नेचुरोपैथी कॉलेज में भी डॉक्टरों की बहुत जरूरत है, ट्रेडिशनल कॉलेज में भी टीचर्स हो या और बायोटेक्नोलॉजी है, कई कोर्स हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शशि राय, वो बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने ऐसे कोर्स शुरू कराए हैं जिससे कि मार्केट में डिमांड है कि ये लड़की पास करे, ग्रेजुएशन करे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे, उसको तत्काल नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी होगी, अच्छा पैकेज होगा। कौन लड़के वाला ऐसा मूर्ख होगा जो आपसे दहेज मांगे, हिम्मत पड़ेगी उसकी? बस मेरे गुरुदेव की यही भावना थी, क्योंकि उन्होंने सुना उस समय कई लड़कियों को जला दिया गया, निकाल दिया गया, उन्हें पीड़ा होती थी। अरे लड़की का पिता अपना कलेजा निकाल के देता है आपको, उसके साथ आप एक तो दहेज के लिए मांगो नहीं, वैसे भी लड़की का पिता क्या अपने सामर्थ्य से कम देगा, लेकिन आप मांगोगे, सौदेबाजी करोगे अपनी लड़की की खुशी के लिए, वो कर्ज लेगा, मकान तक गिरवी रख देगा, लेकिन आपकी मांग पूरी करेगा। लेकिन वो बहू जब आपके घर में आएगी तो उसके मन में क्या पीड़ा रहेगी, ये सास ससुर हैं जिसकी वजह से मेरे माता पिता आज दुखी हैं, कर्जदार हैं, तो उसके मन में आपके लिए क्या श्रद्धा पैदा होगी, आपकी क्या सेवा करेगी? हो सका तो अपने आपके बेटे को भी उड़ाकर ले जाएगी, आप अकेले तालियां बजाते रह जाओगे। होता है कि नहीं होता है? फिर लेकिन स्वामी जी ने देखा, समझाने से वो समझे नहीं, जितना बड़ा अमीर आदमी उतना बड़ा दहेज मांगता है, करोड़ एक एक करोड़ रुपया, बाबा क्या बताऊं, हवस। तो स्वामी जी ने फिर सोच सोच के अपने अनुभव से ये युक्ति निकाली कि मैं ऐसे स्कूल कॉलेज बनाऊं जहां बिटिया नर्सरी केजी में आए, पोस्ट ग्रेजुएट होकर किसी अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हो जाए, इतना उसका अच्छा पैकेज हो कि लड़के वाले को मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़े।